गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो है सरोजनी नगर ज्वेलरी हॉल। तो गाइस, अभी लास्ट टाइम मैंने क्लोथिंग का हॉल किया था तो वो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, तो उसके बाद मैं लाई हूँ सरोजनी नगर का ज्वेलरी शॉपिंग हॉल, जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में वहाँ से बहुत ही प्यारी प्यारी ज्वेलरीज ख़रीद के लाई हूँ। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वैसे लॉकडाउन है, शायद ही कोई जा रहा होगा, बट जाओ तो एक बार ज़रूर ट्राई करना ज्वेलरीज। वहाँ पर ज्वेलरीज बहुत अच्छी वाली हैं और आप देख सकते हो जो भी होता है स्टॉल्स जो होते हैं उन पर से ख़रीदेंगे तो आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में वो ज्वेलरीज मिल जाती हैं। अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो आपको थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती हैं। तो मैंने ली थी सरोजनी नगर से, तो वो मैंने कितने की ली थी वो मैं आपको बताऊंगी आगे पर वीडियो में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक और शेयर गाइस सब्सक्राइब आप करोगे तो मुझे एक प्यारा सा सब्सक्राइबर मिल जाएगा। दूसरा, आप नोटिफिकेशन बेल ऑन करोगे तो आपको हर वीडियो की मेरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी, और लाइक कर दोगे तो गाइस मुझे अच्छा लगेगा। तो गाइस मैं देर ना करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ जो कि इस टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने लिए थे और हम कहीं से लेते गाइस। हमारे जो शॉपिंग हॉल है उसमें ये वाली चीज़ भी ऐड हो गई है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम, और वो है मास्क। तो मैं ये प्यारे प्यारे मास्क लाई हूँ, कलरफुल, बहुत ही अच्छे लग रहे थे और गाइस सेफ भी है क्योंकि ये कॉटन के कपड़े के हैं, इसीलिए गर्मी में भी सेफ रहते हैं। वैसे भी ये डबल लेयर है तो आप देख सकते हो, ये मैंने 10 रुपीज़ ईच लिया है, मैंने 50 रुपीज़ के 5 लिए थे, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं आप देख सकते हो। तो सी तो ये लिए हैं और बहुत ही प्यारे नेकलेस हैं। सी तो ये फर्स्ट वाला है आप देख सकते हो, तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा पहनने पर, कितना सुंदर लग रहा है। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने दो ये लिए हैं 150 रुपीज़ के सी, और एक मैंने ये वाला लिया है इस तरीके का, तो मैंने ये भी बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में ले लिए हैं, और ये मैंने दो लिए हैं 150 रुपीज़ के सी। तो मैंने दो 150 रुपीज़ के लिए गाइस, बहुत ही ज़्यादा सस्ते मिले हैं या महंगे मिले एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने अगर वहाँ से बाय करे हैं तो आपको कितने के मिले, एक बार ही ज़रूर से मुझे कमेंट करना प्लीज़। और तीन में लाई थी इयररिंग्स आप देख सकते हो इस तरीके के, तो ये स्टर्ट हैं आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारे राउंड शेप में हैं, तो ये मैंने लिए थे 50 रुपीज़ में। तो गाइज़ ये मेरी सारी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का हॉल है जो कि मैंने परचेज़ की है सरोजनी नगर से। बहुत ही ज़्यादा मन था मेरा ये लेने का क्योंकि मैंने बहुत सारे व्यूअर्स के पास देखा है। गाइज़ ऐसा नहीं है कि मैं चैनल नहीं देखती हूँ, मैं भी बहुत सारे जनों के चैनल देखती हूँ, और शायद उम्मीद करती हूँ कि जो भी मेरा वीडियो देख रहा हो यूट्यूबर, तो गाइज़ एक बारी कमेंट ज़रूर करना क्योंकि मैं सबके चैनल देखती हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरी भी चैनल आप सब लोग देखते होंगे, तो एक बारी ज़रूर कमेंट करना। और देख सकते हो आप, इयररिंग्स आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, अफगानी इयररिंग्स हैं, और ये भी मैंने लिए थे 50 रुपीज़ के। तो ये ऑनलाइन बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं, बट उनका जो भी है काम है वो करते हैं, बट हम लोग बाज़ार से जाके ले ख़रीदे हैं तो शायद ये मुझे इतने सस्ते मिले हैं 50 रुपीज़ में सी, तो बहुत ही प्यारे लगेंगे पहनने पर। और आप चाहे तो इनको टीका भी बना सकते हैं इस तरीके से, बहुत ही सुंदर लगने वाला है। तो आप अपनी ज्वेलरी को जैसे भी चाहे वेयर कर सकते हैं, तो इस तरीके के ये इयररिंग्स हैं, और आपको कैसे लग रहा है तो मुझे दोबारा बोलूँगी कमेंट करके, देख सकते हो ये है कुंदन की इयररिंग्स, तो आप देख सकते हो बहुत ही है, ये 150 रुपीज़ के मुझे मिले हैं वहाँ से सी। आप किसी सेट के साथ भी इन्हें वेयर कर सकते हो, बहुत ही पार्टी वेयर पीस है। तो गाइज़ यही थी मेरी सारी ज्वेलरी कलेक्ट मैंने सरोजनी नगर से बाय की है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चाहते हो, अगर यही वाले इयररिंग्स बाय करते हो तो उनको बोलना कि हमें 50 रुपीज़ के ही चाहिए, और ये जो मैंने लॉन्ग सेट लिया इसमें भी थोड़ी बार्गनिंग चल जाती है, तो वहाँ पर एक बार आप ज़रूर बार्गनिंग करिए, बार्गनिंग के बिना तो वहाँ पर काम ही नहीं चलता है। अगर आप अच्छे से बार्गनिंग करना चाहते हो तो ज़रूर 150 रुपीज़ में ख़रीद लोगे या फिर उससे कम भी ख़रीद लोगे, तो अगर ख़रीदो तो मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर
बताना अगर बाई चांस जाना हो और खरीदो तो। और आपको कैसे वीडियोस देखने हैं तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक और शेयर। और मेरे चैनल का नाम मॉम ब्यूटी शालू की जगह हो चुका है स्टाइल विद शालू। तो गाइस ये मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, कई लोगों ने क्या शायद एक ही जने का कमेंट आया है कि आपने शाही स्टाइल का जो नाम है वो चुरा लिया है या जो भी है। तो गाइस आप जान सकते हो कि स्टाइल बहुत सारे जनों के नामों में लगता है, तो आप मुझे बताइए कि मैंने जो यूज़ किया है वो गलत किया है। क्योंकि आप मुझे एक बात ये बताइए कि बहुत सारे लोगों के नाम में स्टाइल है तो क्या सबने ही चुरा लिया है? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पहले भी ये नाम सोचा था, बट मैंने अपना नाम मॉम ब्यूटी शालू इसलिए रखा क्योंकि मैं मॉम हूँ, तो इसीलिए। बट वो चैनल शायद मुझे लगता है कि सही नहीं था, तो इसीलिए मैंने इसका नाम जो है मैंने जो पहले सोचा था वही वाला रख लिया है। तो ये नाम मुझे अच्छा लग रहा है, उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगेगा, आप इस नाम के साथ मुझे अपनाएंगे। यही था आज का मेरा छोटा सा वीडियो, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।